अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एकदम जबरदस्ती तहाड़ी की रेसिपी। मैंने इसमें मूठिया ऐड किया है, मूठिया तहाड़ी मैंने बनाई है, बहुत ही मजे की बनी थी। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आधा किलो जो है मैंने बीफ का कीमा लिया है, इस तरीके से मोटा मोटा ये कीमा था। इसे अच्छे से वॉश करके इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर दिया है। अब देखिए मिक्सी में मैं पहले कुछ मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी 6 से 7 हरी मिर्चें, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया, एक मुट्ठी के बराबर मैंने लिया है हरा धनिया। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है, और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून जो है जीरा और 1/2 टेबलस्पून जो है सौंफ। आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अब इन मसालों को पहले मैं दरदरा पहला मिक्सी में जो है पीस लूंगी इस तरीके से, क्योंकि हमें इसमें जब यह है कीमा ऐड करना है। डायरेक्टली अगर हम कीमे के अंदर इस मसाले को ऐड करते हैं तो मसाला हमारा अच्छे से पीसता नहीं। देखिए कीमा भी मैंने ऐड कर दी मसाले के अंदर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक एज पर टेस्ट। देखिए इतने ही मसालों में हमें जो अपनी मूठिया बना के रेडी करनी है, ज्यादा हमें इसमें मसाला नहीं ऐड करना है, एकदम लाइट मसाले हमें रखने हैं। देखिए मिक्सी में हमने अच्छे से इसे पीस लिया, देखिए इस तरीके का। अब देखिए मैं इसकी जो है वो मूठिया बनाने से पहले मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा घी। देखिए 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड किया है। घी हम इसलिए ऐड करते हैं कि जो हमारी मुठिया है वो अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट रहे, हार्ड ना होए। अब मैं इसकी मुठिया बना के मिलती हूँ। देखिए मुठिया मैंने कर ली है रेडी। अब इसे कैसे कुक करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस पैन में मैंने अच्छे से जो है तेल को ग्रीस कर लिया, लगा लिया है। अब इस तरीके से इसे देखिए जैसे बिछाते जाएंगे, रखते जाएंगे लाइन से। मैं सारी मुठिया रख लेती हूँ, एक बार आपको दिखाती हूँ फिर। देखिए इस तरीके से मैंने सारी मुठिया हमारी रख ली है। देखिए आधा किलो कीमे की मुठिया है, आप अपनी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखिए गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है और इसे ढक दिया है, अभी अपना पानी रिलीज करेगा। देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है, मुठिया ने देखिए अच्छे से पानी जो है वो रिलीज कर दिया है। अब ये पानी को हमें ड्राई करना है बिगर चलाए, हमें बिल्कुल भी इसे चलाना नहीं है। देखिए साइड पे हमारी मुठिया कुक हो रही है जब तक हम मसाले बगा देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल, अच्छा ज्यादा ऑयल हमें लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 बड़े साइज की जो प्याज है, इसे लंबा लंबा मैंने कट कर लिया है। प्याजों को हमें अच्छे से कुक करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ गरम मसाले, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 स्टिक जो है दालचीनी की ली है, 5 से 6 हरी इलायची और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जीरा। इसे भी हम प्याज के साथ ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे जो है कुक होने देंगे चलाते हुए हमारी प्याजों को। थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा तहाड़ी बनाने के लिए, थोड़ा खुला खुला बर्तन लीजिएगा ताकि हमारी मुठिया जो हम ऐड करते वक्त फूटे ना। देखिए इस तरीके से प्याज को हम पकने देते हैं। देखिए साइड बाय साइड आपको मैं दिखा रही हूँ हमारी कुक जो है मुठिया, उसका पानी भी जो है देखिए ड्राई हो गया है। अब ये स्टेज पे आप इसे हल्के हाथों से चलाइएगा। आप चिकन की मुठिया भी बना सकते हैं, इस तरीके से पकाइएगा, वो भी गल जाएगी। देखिए अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून के करीब जो है ऑयल, और ऑयल में हमें इसे थोड़ा सा जो है वो फ्राई करना है हमारी मुठिया को। अब आप चाहे तो इसे डीप फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। और इस तरीके से भी बहुत मजे की ये लगती है। देखिए इससे मैंने थोड़ा हल्का जो है कुक कर लिया है, देखिए हल्का हल्का ब्राउन कलर इस पे आपको नजर आ रहा होगा। आप डीप फ्राई करेंगे तो भी बहुत मजे की लगती है। अगर आप चाहे तो ये मुठिया जो है कुक करके ऑनियन ऐड करने से पहले आप पहले इसे फ्राई करके पतीली से निकाल के फिर आप जो है मसाले को बघार सकते हैं। देखिए यहाँ हमारा ऑनियन जो है वो ब्राउन कलर का हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने टेबल स्पून के हिसाब से ऐड किया है। मैंने इसमें ऐड किया है 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और देखिए 8 से 10 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह मिक्सी में जो है वो ग्राइंड कर लिया था। अब इसे अच्छे से भूनने देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चलाते हुए चम्मच को इस तरीके से। अदरक लहसुन को अगर हम प्याज के साथ अच्छे से भून ले तो हमारा मसाला जल्दी भून जाता है। देखिए अदरक लहसुन हमारा पक चुका है। अब 3 बड़े साइज की जो है मैंने टमाटर इसमें ऐड किए हैं। टमाटर को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और इसे हम थोड़ा सा गलाएंगे मसालों के साथ। देखिए इस तरीके से टमाटर हमारा गलने से पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। बिल्कुल कम और हल्के मसाले में हमारी तहाड़ी बनके रेडी होगी। और इसकी जो मेन जो चीज है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब हम चावल ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी
और इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया। देखिए हरा धनिया 2 कप के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो इसके साथ पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे पुलाव और बिरयानी में जो है पुदीने की स्मेल इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। देखिए टमाटर हमारा गल चुका है, मसाला भी हमारा अच्छे से देखिए भून चुका है, ऑयल रिलीज हो रहा है। इस तरीके से जो है टमाटर को हम चम्मच के यूज करके अच्छे से फोड़ लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 5 से 6 हरी मिर्चें। इस तरीके से देखिए मैंने लंबी लंबी, थोड़ा पुलाव हमारा मजे का दिखे इसके लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, देखिए 1.5 गिलास चावल मैंने इसमें ऐड किया है, तकरीबन 1/2 किलो के करीब मैंने इसमें ऐड किया है चावल। और मैंने अब इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/2 कटोरी जो है मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल मैंने इसमें ऐड करी है 1/2 कटोरी। इसे भिगा दिया था 10 से 15 मिनट के लिए पानी में और इसे भी इसमें ऐड कर लिया है। और इससे जो फ्लेवरफुल हमारी तहाड़ी बनती है मैं आपको क्या बताऊं, आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल हल्के मसाले की और इतनी मजे की ये बनती है। देखिए इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 1/2 किलो कीमा, 1/2 किलो चावल और 1/2 कप लाल मसूर की दाल हमें इसमें ऐड करना है। देखिए अब देखिए इसमें मैं पानी ऐड करने जा रही हूँ। पहले हम पानी जो है चावलों को चला के अच्छे से चेक कर लेते हैं। एकदम ज्यादा भी पानी हमें नहीं ऐड करना है। देखिए अभी चावल में हमें पानी और ऐड करना चाहिए कि ताकि हमारी जो उंगली हाफ जो है वो उसमें पानी में डूब जाए। इस देखिए इस तरीके से, अब इस तरीके से जो हम चावल को पानी चेक कर सकते हैं और हमारा चावल एकदम बराबर फरारा बनके हमें मिलेगा। अब मैं इसमें नमक एज पर टेस्ट ऐड कर रही हूँ। देखिए हरी मिर्चें कितनी मजे की दिख रही है, बनने के बाद भी इतनी खूबसूरती दिखती है इसकी। अब मैं इसे पकने दूंगी अच्छे से। देखिए बॉइल आ रहा है इसके अंदर हल्का हल्का, मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं चलाया था, देखिए इसी तरीके से मैंने रहने दिया था। अब मैं इसमें जब दम पे हमें इसे मारना है तब मैं इसे चम्मच का यूज करके चला रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे जो मुठिया है वो, और मुठिया को भी अच्छे से चावल के साथ हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे लगा देंगे दम पे। देखिए कितने मजेदार दिख रही है और इतनी टेस्टी भी बनती है। गोश्त की, मटन की, चिकन की बहुत तहाड़ी आपने खाई होगी, ये जरूर ट्राई कीजिएगा। एकदम यूनिक रेसिपी है और एकदम डिफरेंट रेसिपी है। अब हम इसे भाप पे दम पे लगा देते हैं। देखिए वजन मैंने एक बर्तन उस ढक्कन के ऊपर रख दिया है, 10 मिनट के लिए मैंने इसे जो है स्लो आंच पे रख दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी तहाड़ी किस तरीके से बनी है। देखिए देखिए कितनी मजे की और कितनी मजेदार और कितनी कलरफुल तहाड़ी हमारी बनी है। मैं आपको बताती हूँ हमारा चावल कितना फरारा बना है। देखिए एकदम फरारा चावल हमारा अलग अलग होके बना है। अब मैं आपको जो मिलती हूँ सर्व करने के बाद। देखिए रेडी है हमारी मजेदार गर्मा गर्म मुठिया की तहाड़ी, बहुत ही मजे की ये बनी थी। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको लगी कैसे। अगर आपको मेरी मुठिया तहाड़ी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।